अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम जो पेपर कर रहे हैं डेट इज मई जून 2022 पेपर 2 वेरिएंट 2। अच्छा, क्वेश्चन 1 में कह रहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ईच कंपाउंड मे बी यूज वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। एक से ज्यादा भी बार आप किसी एक को यूज कर सकते हो उसमें। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट विच कंपाउंड इज पर्पल। तो KMnO4 पर्पल होता है, KMnO4 गिवन है, तो इसका आंसर इज KMnO4। रिएक्ट विद एक्वस सोडियम सल्फेट टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। देखो, सोडियम सल्फेट में सल्फेट आयन है और हमें पता है कि कोई बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर हम बेरियम नाइट्रेट को, जो सेकंड कंपाउंड गिवेन है, उसको सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें बेरियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा सॉलिड फॉर्म में और साथ में सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, वो एक्वस होगा। राइट, तो दिस इज बेरियम नाइट्रेट। थर्ड पार्ट कह रहा है रिएक्ट्स विद एक्वस क्लोरीन टू गिव अ ब्राउन सॉल्यूशन। तो ब्राउन सॉल्यूशन हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड, जो कि कलरलेस से ब्राउन होता है। अच्छा, ये ब्राउन क्यों होगा? ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस है। अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन डालूंगा तो क्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव हेलोजन, इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन, जो कि आयोडाइड आयन है यहाँ पे, और क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन बन के आयोडाइड आयन की जगह लग जाएगा और आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इंटू आयोडीन बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो आयोडीन बन रही है ये पानी के अंदर ही बन रही है क्योंकि हमारे पास एक्वस क्लोरीन डाली है ना, तो पानी के साथ डाला है सब कुछ। तो आयोडीन वाटर में जब डिसॉल्व होती है एक्वस आयोडीन, तो उसका कलर होता है बेसिकली ब्राउन। तो द आंसर इज पोटेशियम आयोडाइड। अली इतना वेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ना जल्दी करना पड़ेगा चीजों को, थोड़ा सा फास्ट ट्राई करो आप भी। इस प्रिपेयर्ड यूजिंग अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बेरियम सल्फेट तो बन रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, लेकिन यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बनेगा, इस लिस्ट में से बताना है आपको। अब इस लिस्ट में कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट ढूंढ लो, वो प्रेसिपिटेशन से बन जाएगा। एक ही इनसॉल्युबल सॉल्ट दिया हुआ है, उसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl contains an anion with a -3 charge. तो -3 charge या तो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स का होता है या फिर हमारे पास दो मॉलिक्यूलर आइंस हैं, फॉस्फेट आइन PO4 नेगेटिव या फॉस्फेट आइन PO3 नेगेटिव। तो ग्रुप 5 का एनाइन दिया हुआ है सोडियम नाइट्राइड Na3N, इसमें नाइट्राइड आइन जो है वो 3 नेगेटिव है। आगे कह रहा है F it is used as for a reducing agent. तो reducing agent के test करने के लिए reducing agent को test करना है तो आप oxidizing agent use करते हो। अगर oxidizing agent को test करना होगा तो आप reducing agent को use करोगे। तो oxidizing agent KMnO4 given है। KMnO4 एक बार ऊपर भी use हो चुका है लेकिन आप दोबारा use कर सकते हो क्योंकि option में लिखा हुआ है ना may be used once, more than once or not at all. सही है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स इन ग्रुप 6।
सेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से देख लो वो 16 होता है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दो। यानी 2022 का पेपर है, पेपर टू वेरिएंट टू, जून 2022 वेरिएंट टू। अच्छा जी, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2.8.6 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ पोलोनियम, पोलोनियम की डेंसिटी अगर मैं ये एलिमेंट्स देखूं तो ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप 6 के हैं, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, 0.0013 से 2.1 हुई, फिर 4.8 हुई और फिर जो है वो 6.3 हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखो, इससे ऊपर अगर देखो तो सेलेनियम से टेलुरियम में 4.8 से जब 6.3 हुई है तो कितना डिफरेंस आया है, 6.3 माइनस 4.8, बताना जरा कितना आ रहा है ये। अब ये जो 6.3 की वैल्यू है इसमें 1.5 ऐड कर दो, कितना बना, 7.8 बस। ठीक है, इस तरह से कर लिया करो उस तरह के क्वेश्चंस। आगे कह रहा है सल्फर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 445 डिग्री सेल्सियस, प्रेडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्फर एट 200 डिग्री सेल्सियस। देखो 200 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर का वो पूछ रहा है कि स्टेट क्या होगा। अब अगर मैं इस तरह से अगर आप देखो तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको टेबल में गिवन है 113, मेल्टिंग पॉइंट है 113 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट उसने दिया हुआ है 445 डिग्री सेल्सियस। अभी जो टेम्परेचर गिवन है दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 डिग्री सेल्सियस जो है वो 113 से ज्यादा है और 445 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वो कहीं बीच में आएगा ना, लाइट से इधर आ गया 200 डिग्री सेल्सियस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस का टेम्परेचर प्रेजेंटली अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा तो उसकी स्टेट जो होगी वो सॉलिड होगी, अगर वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में होगा तो उसकी स्टेट जो होगी वो लिक्विड होगी, और अगर वो उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो उसकी स्टेट गैस होगी। अभी जो टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस इट इज इन बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, तो उसकी स्टेट जो होगी वो लिक्विड होगी। और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बट 200 डिग्री सेल्सियस इज हायर देन मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। देखिए इन बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, अल्टरनेट वर्डिंग आप यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, सेंटेंस अपना बना सकते हो। ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप 6, तो ईच ऑक्सीजन एटम मेक्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो आपस में ऑक्सीजन जो है इन ऑर्डर टू मेक 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स उसको हर बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाना है। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के एटम अगर आप डॉट से शो कर रहे हो तो दूसरे के क्रॉस से शो कर देना, और आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स आपको बनाना है। आप ऐसे बनाना चाहो डायग्राम ऐसे बना दो, अगर आपको वो ऑर्बिटल वाली बनाना ज़्यादा आसान लगती है तो ऑर्बिटल वाली बना दो, ऑर्बिटल वाली में दो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनेंगे। Explain in terms of structure and bonding by oxygen as a low melting point. तो simple molecular structure है क्योंकि covalent bonding है और covalent bonding में covalent molecule, simple covalent molecules होते हैं, यहाँ पे giant covalent structures होते हैं। Giant covalent structures तो हमारे पास सिर्फ 3 ही है ना जो हमें याद होने चाहिए, graphite हो गया, diamond हो गया और silica हो गया। इसके अलावा अगर कोई giant covalent structure होगा तो वो बता देगा आपको कि भाई ये giant covalent structure है।
या वो ये कह देगा कि भाई स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक डायमंड और ग्रेफाइट और सिलिका, बट वी नो अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इजीयर टू ब्रेक. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, तो आपने स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग भी इसकी डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे. It has covalent bonding. With simple molecular structure. So less energy is required to break weak इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अच्छा, ये जो आंसर मैं आपको लिख पा रहा हूँ ये 2 मार्क्स के लिए होता है. कभी कभार इसी क्वेश्चन को वो 2 मार्क्स का देता है तो आपको ये बात पूरी लिखनी होती है. कभी कभार 1 मार्क का देता है और यही वर्डिंग होती है, तो आपको सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में लिखना होता है. तो बेटर है कि आप 2 मार्क्स का लिख के आ जाओ, लाइन से थोड़ा सा बाहर चला जाए कोई इशू नहीं है. कहीं ये कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना कि कब क्या लिखना है. आप ये याद रखो बस आंसर, 1 मार्क का हो तो भी ये लिख दो, 2 मार्क्स का हो तो भी ये लिख दो. देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने जो बनाई थी वो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो बनाने का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो ग्रुप, पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में करते हैं, अगर कोई ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 या हाइड्रोजन, इन ग्रुप के एलिमेंट जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. अब ऑक्सीजन दोनों ही, इसमें ऑक्सीजन एटम है और दोनों नॉन मेटल हैं, ग्रुप 6 हैं, तो ये लोग आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ग्रुप 4 के एलिमेंट जो होते हैं वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट जो होते हैं वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. सिमिलरली ग्रुप 7 के एलिमेंट जो है वो सिर्फ 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. अब 2 ऑक्सीजन एटम ग्रुप 6 के हैं तो 2 आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि और कोई हल नहीं है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन आइटम में 2 बॉन्ड बनाने हैं. तो 2 बॉन्ड बनाने का मतलब 2 डंडियां आपको लगानी है, तो दोनों ऑक्सीजन आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. और जब भी एक बॉन्ड बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगता है. तो अब अगर हमने इसका डबल कोवेलेंट 2 डंडियां लगाई हैं तो फॉर एवरी 1 कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व ईच फ्रॉम 1 बॉन्डेड आइटम. तो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन लगा रहा है इस डंडी के, तो राइट साइड पे दूसरा वाला ऑक्सीजन लगाएगा. एक ऑक्सीजन के डॉट से शो करे हुए, दूसरे ऑक्सीजन के क्रॉस से शो करे हुए. इसी तरह दूसरे बॉन्ड के लिए भी लेफ्ट पे डॉट लगाया, राइट पे क्रॉस लगा दिया. बाकी ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 ग्रुप 6 का है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर शेल के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भी शो करना जरूरी है. क्लियर है? जहां से देखो हमने, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम सिर्फ उन एलिमेंट्स का बना सकते हैं जो जिनका एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम हो. 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते ही नहीं है. ठीक है, तो 2.8.18 तो वो 20 से ऊपर चला जाएगा, तो वो हमें लिखना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है उसको. क्लियर? आगे बढ़े. सेलेनियम इज अ नॉन मेटल, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम 4 ऑक्साइड. अब सेलेनियम तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो सेलेनियम हमारे पास आ रहा है ग्रुप 4 से. अब ग्रुप 4 का मतलब है कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अगर तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा. अब सेलेनियम नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है. वो आपको कह रहा है फॉर्मूला बना दो उसका. अब फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, फॉर्मूला बनाने के लिए कह रहा है तो मतलब यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज इसका देखना पड़ेगा. अब ये 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब भी इस तरह से ब्रैकेट में कोई नंबर, रोमन में नंबर लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब है कि वो उसके चार्ज को शो कर रहा होता है. 4 का मतलब पॉजिटिव 4, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए, कैटाइन के लिए ही होता है.
ऑक्साइड जो होगा वो तो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा ना, ग्रुप सिक्स का ऑक्सीजन ग्रुप सिक्स से आता है, ऑक्साइड इज फ्रॉम ऑक्सीजन विच इज फ्रॉम ग्रुप सिक्स। जब इसका आप फॉर्मूला मेकिंग करोगे तो टू और फोर में सिंपलेस्ट रेशियो अगर लोगे तो पहले दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे, तो फोर और टू में जो बड़ा कॉमन नंबर है वो टू है, टू से डिवाइड करोगे तो एस ई के साथ जो चार्ज हो जाएगा वो प्लस टू और ओ के साथ जो चार्ज हो जाएगा वो माइनस वन। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो टू सेलेनियम के साथ है वो ऑक्सीजन के नीचे लिख दोगे, ऑक्सीजन के साथ जो वन है वो सेलेनियम के नीचे लिख दोगे, फॉर्मूला बन जाएगा एस ई वन ओ टू। अब वन हम लिखते नहीं है इसलिए सेलेनियम के साथ कुछ नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, अ स्मॉल सैंपल ऑफ सेलेनियम फोर ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, टू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू दिस एक्वस सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिटेक्ट करता है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन एसिडिक है अल्कलाइन है। प्रेडिक्ट द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन दिस सॉल्यूशन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो पहले तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में एक बात याद रखना कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके कलर्स, अब अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो लिटमस का कलर हमने याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज का कलर हमने याद रखना है एसिड और एल्केली में, और थाइमोल फिटालिन का कलर हमें याद रखना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर देता है, लेकिन अगर वो आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर देगा तो आपको एक कलर याद कर लो बस उसका। जैसे लिटमस है वो एसिड में रेड होता है और एल्केली में ब्लू होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है और एल्केली में येलो होता है, इसी तरह थाइमोल फिथलीन एसिड में कलरलेस होता है और एल्केली में हमारा क्या कहते हैं वो, इसका कलर जो है ना पिंक भी लिख सकते हो, पर्पल भी लिख सकते हो और ब्लू भी लिख सकते हो। इसी तरह जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना वो डिफरेंट शेड्स देता है एसिड में, अब एसिड में वो रेड कलर भी शो कर सकता है, पीएच पे डिपेंड करता है, अगर पीएच बहुत कम है ज्यादा हाईली एसिडिक सोल्यूशन है कंसेंट्रेटेड एसिड है तो वो रेड कलर देगा, थोड़ा सा वीक एसिड है तो वो ऑरेंज कलर देगा, तो आप और वीक एसिड है तो वो येलो कलर देगा, तो आपको एक कलर याद रख लो कोई भी एक लिख देना इसमें से। और अगर एल्केली की बात करें तो एल्केली में भी वो डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर देता है, वो ब्लू भी दे सकता है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एल्केली है, और अगर वीक एल्केली है तो वो कलर लाइट हो जाएगा पर्पल हो जाएगा, और अगर और भी वीक एल्केली है तो पिंक हो जाएगा। तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के ना ये दो कलर याद रख लो, एसिड में रेड एल्केली में ब्लू, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का आपको न्यूट्रल पीएच पे भी कलर याद रखना है, ये सिर्फ यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए। न्यूट्रल पीएच मतलब पीएच 7, तो उस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो ग्रीन कलर देता है। सही है, इन चीजों को लिख लो, ये इंडिकेटर्स का यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर उसने आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो याद करने के लिए कहा हुआ है, लेकिन एसिड और अल्केली में एस्पा सिलेबस कहा नहीं है याद करने का, लेकिन सवाल जरूर दे रहा है उसका हर बार। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर भाई एसिड में रेड याद कर लो, अल्केली में ब्लू याद कर लो, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें पता है कि डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर्स देता है, इसलिए उसको एज अ पीएच कैलकुलेट मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है। और वो क्वेश्चन में अभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, हाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। हाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम करते क्या है, इसके जो स्टेप्स हैं, किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच मेजर करना है तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड
विद द पीएच चार्ट. पीएच चार्ट जो होता है वो गिवन होता है आपके पास विद यूनिवर्सल इंडिकेटर जो भी आप यूज कर रहे हो. कलर ऑफ द पीएच इज कंपेयर्ड विद द पीएच चार्ट. सही है, पीएच टेबल भी कहते हैं इसको, पीएच चार्ट भी कहते हैं. ठीक है, हर यूनिवर्सल इंडिकेटर की कंपनी जो है ना उसके उस बॉटल के साथ वो उसका पीएच चार्ट देती है. चलो अब इसमें कह रहा है कि सेलेनियम फोर ऑक्साइड इज डिजोल्व इनटू वाटर. अब आपको तो पहले ये डिसाइड करना है कि सेलेनियम फोर ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो उसकी नेचर क्या होगी, वो एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा. तो हमने ये देखा हुआ है कि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो पानी में डिजोल्व होकर अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती हैं, बेस होती है ना वो. और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो वाटर में डिजोल्व होके एसिडिक सोल्यूशन बनाती हैं, सिवाय दो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और वाटर है. ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं. रेस्ट ऑफ दी अदर नॉन मेटल ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के अलावा कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड आ जाए आपके पास वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगी अगर तो वो डिजोल्व हो रही है वाटर में. इसने कहा हुआ ना डिजोल्व हो रही है. अब सेलेनियम को इसने ऊपर ये भी कहा हुआ है कि सेलेनियम जो है वो नॉन मेटल है. इसका मतलब है कि ये हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन बनाएगी. जब ये वाटर में डिजोल्व होगी तो उसका कलर हमें क्या दिखेगा, एसिडिक सोल्यूशन है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी हमने देखा ना रेड कलर दे रहा है एसिडिक सोल्यूशन में. ठीक है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन क्या है, सेलेनियम फोर ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, इट डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन. इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड which dissolves into water to form acidic solution. Metal oxides group 1 की तो metal oxide water soluble होती है ना, बाकी group metal oxide water soluble नहीं होती. Sodium oxide है वो तो sodium hydroxide बनाएगी ना, तो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ. Only those metal oxide which are soluble in water, तो वो alkaline solution बनाएगा. In this case, color is red, yes. Got it, आगे बढ़ें. Calculate the volume in decimeter cube of 30.2 gram of oxygen at room temperature and pressure. अब oxygen का mass given है, आपको volume निकालना है. अब हमें ये पता है कि भाई 1 mole की अगर कोई भी gas होगी, जैसे 1 mole of oxygen gas है, तो उसका mass उसके molecular mass के बराबर होगा. Oxygen का molecular mass होता है 32 gram. और उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, 24 डेसीमीटर क्यूब. तो 30.2 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा x, बताना कितना आ रहा है ये. देखो ग्रुप टू के भी कुछ मेटल ऑक्साइड स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होती हैं, लेकिन हमें जो है ना ये याद रखना है कि वो सिर्फ ग्रुप वन की वाटर सॉल्युबल है. क्योंकि अगर आपने वाला क्वेश्चन देखे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स वाले, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इज अ ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वो इनसॉल्युबल बेस कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब अगर ग्रुप टू में नीचे जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. लेकिन एज फार एज ओ लेवल इज कंसर्न्ड, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट ओनली ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल. रेस्ट ऑफ द अदर मेटल ऑक्साइड्स, बीइंग इट ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड और ग्रुप थ्री मेटल ऑक्साइड, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर. 22.65 आ रहा है x की वैल्यू, x इंटू 30.2 into 24. So x is equals to 30.2 into 24 divided by 32. This is 22.65. Two significant figures पे round off करोगे तो ये value 23 decimeter cube हो जाएगी. देखो अगर ऐसे भी कर सकते हो ये question, और इस question को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले oxygen का mass given है, उससे मैं number of moles निकाल लूँ. नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर का फॉर्मूला लगा के मास गिवन है 30.2 और एमआर इसका है
ऑक्सीजन का 32, तो मोल्स आ जाएंगे। अब मुझे पता है कि 1 मोल की चाहे कोई भी गैस हो वो वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगी। अभी जो ऑक्सीजन के मोल्स आए ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो बस इसको, तो आंसर सेम ही आना है आपका। चले आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? चलो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द डायग्राम शो सम रिएक्शंस ऑफ ब्यूटानोइक एसिड ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, आइडेंटिफाई बाय नेम ए बी सी एंड डी। अब देखो पहले उसको मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करवाया है ब्यूटानोइक एसिड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो गैस ए है इट शुड बी हाइड्रोजन गैस, और जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम होगा मैग्नीशियम ब्यूटानोएट। देखो ये रिएक्शन इक्वेशन भी याद रखना, ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास जैसे लिखा हुआ है ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3CH2CH2COOH, जब हम मैग्नीशियम के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट में जो लास्ट वाला ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है वो निकल जाता है बस, और बाकी का पूरा जो एसिड का पार्ट है वो नेगेटिव आइन बन जाता है, जैसे CH3CH2CH2COO, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मैग्नीशियम क्योंकि ग्रुप 2 का मेटल है तो इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो जो नेगेटिव आइन है उसके साथ ब्रैकेट लगा के 2 लगाओगे और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है जैसे ब्यूटानोइक एसिड है उससे जो नेगेटिव आइन बाहर निकलेगा ना वो निकलेगा ब्यूटानोएट आयन, क्योंकि जो एसिड है जब वो रिएक्ट करता है या आयनाइज होता है लाइक एन एसिड तो उसका लास्ट वाला हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो बाकी का जो पार्ट है उसके साथ ओएट आ जाता है, ब्यूटानोइक एसिड है तो दिस आयन वुड बी कॉल्ड एज ब्यूटानोएट आयन। इथानोइक एसिड होता तो इसको हम कहते हैं इथानोएट आयन। अभी क्या है ये, दिस इज ब्यूटानोएट आयन। मैग्नीशियम के साथ अगर वो फॉर्मूला लिखने के लिए तो नहीं कहा, उसने तो नेम बोला है ना, लेकिन अगर वो फॉर्मूला लिखने के लिए कहता है तो फॉर्मूला आप मैग्नीशियम बाद में भी लिख सकते हो पहले भी लिख सकते हो, तो मैग्नीशियम CH3CH2CH2COO2 ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला इसका। अदरवाइज अगर आपने बाकी के जो कार्बन है वो कंडेंस करके लिखना है 3 कार्बन तो ये C3H7COO इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन उसने फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं बोला है, आपको आना चाहिए, अभी नहीं बोला है इस क्वेश्चन में फिलहाल। इस क्वेश्चन में नेम बोला है तो आपने नाम लिखना है, दैट इज मैग्नीशियम ब्यूटानोएट, आखिर में 8 आ जाता है। ए जो है वो हाइड्रोजन गैस है, फॉर्मूला नहीं लिखना, नेम बोला है तो नेम लिखना पूरा। अली ये पेपर 2022 है वेरिएंट 2, बिल्कुल अशर ऐसे भी चलेगा, लेकिन 2 जो आपने लिखा है ना वो ब्रैकेट के बाद में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है छोटा करके नीचे। अगर आप 2 जो है वो देखो मैग्नीशियम आयन बेशक आप बाद में लिख दो वो मसला नहीं है, C3H7COO ये जो आप 2 लिख रहे हो ना मैग्नीशियम आयन पहले लिखो बाद में लिखो वो मसला नहीं है, लेकिन ये जो 2 है ना ये ब्रैकेट के नीचे आएगा, ये यहाँ नहीं आ सकता, दिस इज रॉन्ग। नेम की जगह फॉर्मूला लिखोगे तो मार्क्स कटने चाहिए, उसने मार्किंग की मैं ये तो नहीं बोला हुआ कि मैं फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स काट दूंगा, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है कि नाम लिखो ना, जब बोला हुआ है नेम लिखना है तो नेम लिखना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो मार्क्स कटने चाहिए, अब डिपेंड करता है उनके पास जो डिटेल्ड मार्किंग की है वो क्या अलाउ कर रहा है इसको, बट
आपने नेम लिखा हुआ है तो नेम लिखना है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप फॉर्मूला या नेम कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ तो फिर सिर्फ फॉर्मूला लिखना। अच्छा जी, अब दूसरा रिएक्शन जो हो रहा है उसका ब्यूटेनोइक एसिड का, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ हो रहा है। अब मैग्नीशियम मेटल ही है तो सॉल्ट तो जो है वो मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट ही बनेगा, सॉल्ट भी देखो दोनों जगह सेम ही है ना सॉल्ट भी, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है तो गैस सी जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, क्योंकि जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो लिक्विड डी जो हो जाएगी वो वाटर हो जाएगी। तो लिक्विड डी इज वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला नहीं लिखना, नाम लिखना बोला हुआ है, नाम तो नाम लिखना, और गैस सी इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट कह रहे हैं नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। अब ई क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड को उसने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक लिक्विड ई है वो एस्टर है, और जो लिक्विड डी है वो तो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं एस्टर एंड वाटर, तो आपने एस्टर का स्ट्रक्चर बनाना है। ब्यूटेनोइक एसिड आपको तो स्ट्रक्चर उसने बना के दिया हुआ है, आपने इथेनॉल का फॉर्मूला आपको खुद बनाना है, स्ट्रक्चर उसका खुद बना के आपने इसको बस ज्वाइन करना है। जैसे ये ब्यूटेनोइक एसिड है, इथेनॉल अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+1OH। अब इथेनॉल मतलब दो कार्बन एटम वाला अल्कोहल है, तो एन की जगह पर जब टू रखोगे तो ये हो जाएगा C2H5OH। इथेनॉल का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें जो OH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने लिखना, होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा ना निकलेगा, तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकाल दिया या अल्कोहल का OH निकाल दिया, बस वाटर निकालना है आपने यहाँ से, तो बाकी का ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। आपने ये बनाते हुए तो नहीं दिखाना, आपने डायरेक्ट फाइनल स्ट्रक्चर लिखना है। अब डायरेक्ट फाइनल स्ट्रक्चर किस तरह से लिखोगे या किस तरह से बनाओगे, सी इस पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ओ एंड सी, दिस इज एस्टर। और एस्टर का नाम क्या होगा, देखो एस्टर के नाम में जो अल्कोहल होता है उसके नाम के साथ आ जाता है YL, और जो एसिड होता है उसके नाम के साथ आ जाता है OH। जैसे एसिड जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड है तो उसके नाम के साथ आ जाएगा आखिर में OH, और अल्कोहल के नाम के साथ आ जाता है YL। तो पहले हम अल्कोहल लिखते हैं, इथेनॉल से बन जाएगा इथाइल, और ब्यूटेनोइक एसिड को कहेंगे ब्यूटानोएट, एस्टर नेम वुड बी इथाइल ब्यूटानोएट। पार्ट सी में कह रहा है ब्यूटानोइक एसिड इज अ वीक एसिड, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वीक इन वीक एसिड, तो आपने सिर्फ वीक को डिफाइन करना है। तो एसिड दैट आयनाइजेस, वीक का मतलब क्या है कि that ionizes partially or incompletely in aqueous solution, that ionizes partially in aqueous solution। अगर वो आपसे कहता है कि define acid, acid क्या होता है, acid are proton donors, और अगर वो आपको कहता है कि डिफाइन वीक एसिड, पूरा वीक एसिड डिफाइन करना है, तो एसिड दैट एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स दैट आयनाइजेस पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन फोर में द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्टिकल्स,
स्टेट द न्यूक्लियॉन नंबर फॉर 79 ब्रोमीन का आइसोटोप दिया हुआ है. अच्छा लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन में पोटेशियम का, अच्छा कुछ बच्चे क्वेश्चन ना ये भी पूछ रहे थे कि पोटेशियम के दो आइसोटोप्स होते हैं. पोटेशियम का जो पीरियोडिक टेबल में आइसो एवरेज मास दिया हुआ होता है वो 39 दिया हुआ है, राइट. पोटेशियम के अगर आपके पास कोई आइसोटोप लिखा हुआ है, जैसे अगर एक सॉरी तो पोटेशियम के अगर आपको कोई भी आइसोटोप उसने लिखा हुआ है तो दूसरा आइसोटोप जो है ना वो एक नंबर बढ़ा के लिख देना. जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनको बता रहा हूँ, या वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना उसका. अभी इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि स्टेट द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ फॉर सेवन ब्रोमीन का आइसोटोप दिया हुआ है 79-35. न्यूक्लियॉन नंबर किसको कहते हैं? मास नंबर को कहते हैं. अब ये सबसे कॉमन मिस्टेक, मोइन देखो सबसे कॉमन मिस्टेक यही है, वो न्यूक्लियॉन नंबर पूछ रहा है. न्यूक्लियॉन नंबर मास नंबर को ही कहते हैं. आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रहे हो मुझे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियॉन नंबर को माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर से. न्यूक्लियॉन नंबर गिवन है 79, एटॉमिक नंबर है 35. तो ये जो आप माइनस करके बता रहे हो ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. न्यूट्रॉन थोड़ी ना पूछा हुआ है, न्यूक्लियॉन पूछा हुआ है, मतलब डायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है 79 यही पूछा हुआ है, सही है. फिर नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमाइड आयन. अब देखो किसी भी एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उस एटम के पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर तो वो एटम है न्यूट्रल है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है. अब Br -1 लिखा हुआ है ना, माइनस सिर्फ मतलब -1, तो इट मीन्स के नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा हुआ है. तो उसके इलेक्ट्रॉन 35 से होके कितने हुए होंगे, 36 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैल्शियम इज द फुल सिंबल फॉर वन आइसोटोप ऑफ कैल्शियम, राइट द फुल सिंबल फॉर अनदर आइसोटोप ऑफ कैल्शियम. अब ये क्वेश्चन देखो, वो जो मैं पोटेशियम वाला बता रहा था उन्होंने यहाँ पे कैल्शियम का पूछा हुआ है. तो बताओ कैल्शियम का हम क्या लिखें, एक नंबर मैंने कहा कि मेटल्स में एक नंबर बढ़ा के लिख दो बस, मास नंबर. एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना 20, मास नंबर 40 है तो आप 41 लिख दो. सही है. आगे कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द कैल्शियम आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम एटम. तो कैल्शियम आयन बना है टू पॉजिटिव बाय लूजिंग, इट मस्ट हैव लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन ना, तो बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट कह रहे हैं कैल्शियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड. कैल्शियम ब्रोमाइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन बट नॉट व्हेन सॉलिड. आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट इफ दे आर सॉल्युबल. इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर फिक्स्ड और नॉट फ्री टू मूव. एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम ब्रोमाइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन बट नॉट व्हेन सॉलिड. इन सॉलिड कैल्शियम ब्रोमाइड आयंस आर फिक्स्ड और इन मोल्टन आयनिक कंपाउंड आयंस आर फ्री टू मूव. In solid, calcium bromide ions are fixed, whereas in molten, calcium bromide ions are free to move.
predict two other physical properties of calcium bromide. अब उसने melting point और boiling point की बात नहीं की, electricity की बात की, तो हमें ये लिख सकते हैं it has a high melting point और boiling point will only earn you one mark. मतलब you cannot write के पहले में high melting point लिख दो, दूसरे में high boiling point लिख दो, ये एक ही point count किया जाएगा, चाहे high melting point लिखो चाहे boiling point लिखो चाहे दोनों लिखो. सही है. दूसरी प्रॉपर्टी इसकी और क्या हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ब्रिटल इन नेचर होते हैं आयनिक कंपाउंड्स. उसके अलावा अब कुछ आयनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. सही है. तो आप ब्रोमाइड में हमने जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल है उसमें हमने ये याद देखा हुआ कि सिल्वर ब्रोमाइड इज द ओनली वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट. तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो कैल्शियम ब्रोमाइड है डिसॉल्व इन टू वाटर, otherwise they are brittle in nature. और भी है मार्किंग की में ना ज्यादा, कभी वो बहुत सारे पॉइंट्स लिख के दे देता है, कभी कभार जो है वो सिर्फ एक दो पॉइंट्स लिख के देता है, तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं है. अगर आपने dissolved in water लिख दिया है तो भी सही है, अगर आपने brittle in nature लिख दिया है तो भी सही है, क्योंकि उसने स्पेसिफिक तो नहीं करा हुआ ना. ब्रिटिल इन नेचर वो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही है. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में नहीं कह रहा है, कह रहा है अदर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ. इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली ना उसने ऊपर, उसके अलावा पूछ रहा था. नहीं, डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा, आयनिक कंपाउंड के बारे में वो गड़बड़ हो जाएगी. आप हर आयनिक कंपाउंड की हाई डेंसिटी नहीं होती है, तो वो डेंसिटी वाला ना लिखो. ठीक है, आगे बढ़े. अच्छा जी, क्वेश्चन 5. ब्रिटल का मतलब होता है जो कि इजिली ब्रेक हो जाए, मतलब डिफॉर्म ना हो, बैंड ना. जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास पे फोर्स लगाओगे तो वो डायरेक्ट ब्रेक होगा, बैंड नहीं होगा. मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, फोर्स लगाने पे बैंड होते हैं. अच्छा जी, आगे कह रहा है इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम. जहां से क्या समझ नहीं आया, ब्रिटल आवाज आ रही है आप लोगों को? पर वाला क्या पार्ट बी, कौन सा पार्ट बी, पार्ट बी कहाँ है, ऊपर ई कर रहे थे हम तो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमाइड आयन कह रहे हो, जहां से जल्दी पूछो कौन सा सवाल कह रहे हो. आगे बढ़े.
क्वेश्चन 5 पढ़ लो जरा। इतने अच्छा जी, क्वेश्चन 5 में कह रहा है इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम। द कंडीशन यूज्ड आर 300 डिग्री सेल्सियस, अ हाई प्रेशर एंड अ फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट। द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम इज रिवर्सिबल। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन हैपेंस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। Predict what happens to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the temperature is decreased and the pressure remains constant. तो देखो क्योंकि forward reaction exothermic है, अब ये बार बार आता है इस तरह का question ना, तो temperature का effect आप कैसे देखते हो on the position of equilibrium? First you have to identify whether the forward reaction, reversible reaction in forward direction is endothermic or exothermic. तो ये खुद बता देता है वो रिएक्शन में कि वो एंडो है या एक्सो है। तो टेम्परेचर, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होती है, डिक्रीज करने से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होती है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, डिक्रीज करने से राइट पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि टेम्परेचर क्या करा है, डिक्रीज करा है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। तो वो कह रहा है कि इथेनॉल के अमाउंट पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगी तो हमारे पास इथेनॉल जो है वो बढ़ जाएगा ना, मोर इथेनॉल इज फॉर्म्ड as position of equilibrium shifts towards right hand side on decreasing temperature as forward reaction is exothermic. हमेशा यही आंसर होता है इसका। आगे कह रहा है predict what happens to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the pressure is decreased. देखो प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए हमें इक्वेशन में ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे कितने और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस ही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव 1 मोल ऑफ इथीन एंड 1 मोल ऑफ स्टीम, तो दे आर टोटल ऑफ 2 मोल ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड पे वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन द गैशियस फॉर्म, सो टोटल ऑफ दे आर ओनली 1 मोल ऑफ गैस ऑन द राइट हैंड साइड। If you are increasing the pressure, तो position of equilibrium will shift towards right hand side. क्यों? क्योंकि number of moles of gases right पे कम है, तो जहाँ कम होते हैं वहाँ shift हो जाता है। अब वो कह रहा है कि decrease क्या है, अब decrease करोगे तो position of equilibrium left hand side पे shift हो जाएगी। अब left hand side पे shift होने का मतलब क्या है कि product कम बनेगा, तो this is less ethanol is formed. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, एज पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर as there are more
moles of gases on the left side. Yield भी लिख सकते हो प्रोडक्ट की टर्म्स इस रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट की, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली देखो क्वेश्चन को भी कभी कभार देखना पड़ता है ना, क्वेश्चन में अगर उसने लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस टू द यील्ड तो आप फिर अपना आंसर यील्ड की टर्म्स में लिखो, लेकिन उसने लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ इथेनॉल तो आप अपना आंसर अमाउंट ऑफ इथेनॉल की टर्म्स में लिखो, तो क्वेश्चन को देख के चलो साथ। कंसेंट्रेशन के रूल्स दे आर वेरी सिंपल, it doesn't matter whether the reaction is endo or exo, it doesn't matter how many moles of gases are there on the left or right hand side, concentration ka rule ye hota hai ki if you are increasing concentration of reactants or any one of the reactants the position of equilibrium will shift towards right, the more product will form, but if you are decreasing the concentration of reactant the position of equilibrium will shift towards left, less product is formed. Or in other words, if you are increasing the concentration of products, the position of equilibrium will shift to a left hand side, less product is formed. And if you are decreasing the concentration of product, the position of equilibrium will shift to a right hand side, more product is formed. Right pe jayega to more product, left pe jayega to less product. Sahi hai humne, aage badhe. नेक्स्ट में कह रहे हैं डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, देखो फर्मेंटेशन रिएक्शन का इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना एंड ऑल द कंडीशन। अब डिस्क्राइब में आपको कोई प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं कि पहले क्या डाला फिर क्या डाला, बस आपने रिएक्शन के रीजेंट्स क्या क्या यूज करना है और रिएक्शन क्या हो रहा है और इक्वेशन कह रहे हैं तो लिख देना, नहीं कह तो नहीं लिखना, वैसे लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज we have react or add yeast. Yeast is an enzyme that is used jo ke biological catalyst hai jo ke glucose ko convert karega ethanol mein, to add yeast into aqueous glucose, aapne jo glucose lena hai wo aqueous lena hai. Ab formula bhi aapko yaad hona chahiye glucose ka, aqueous matlab with water, yeast enzyme hai uska at a temperature of 37 degree celsius because enzymes work best at the temperature of 37 degree celsius in the absence of oxygen, there shouldn't be any oxygen kyunki jo yeast enzyme hai wo anaerobically respire karta hai, janna zaruri nahi hai bas ye yaad rakhna hai ki absence of oxygen gas honi chahiye, now oxygen gas, और पीएच जो होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए एंड न्यूट्रल कंडीशंस मतलब एसिडिक अल्कलाइन नहीं होना चाहिए पीएच, और इक्वेशन भी मांगी हुई है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H2LPO6, एक्वस फॉर्म में लेंगे उसको और इसके अंदर हम डालेंगे ईस्ट और ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, सिर्फ एक ही अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन से दैट इज इथेनॉल, C2H5OH ये भी इथेन एक्वस फॉर्म में बनेगा और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस इक्वेशन को बैलेंस जरूर कर देना, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी याद रखो, इसमें 2 मोल ऑफ इथेनॉल बनता है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरी बात, इसमें अक्सर वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, क्योंकि देखो ये पानी भी है ना इसमें एक्वस है, तो इथेनॉल को हम लोग किस तरह से बाहर निकालेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो आपने इथेनॉल ये लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछ सकता है ये वाला पार्ट, ethanol produced is separated by fractional distillation, लेकिन नहीं सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं हो सकता क्योंकि ग्लूकोज भी अगर कुछ बचा रह गया है तो वो भी अपना क्या कहते हैं
वो इतने आराम से बॉयल तो नहीं होगा, बट स्टिल बेस्ट है कि आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करोगे। सिंपल से ऐसे तब करते हैं जब वाटर को कलेक्ट करना होता है, क्योंकि देखो आपने जब हीट करना है तो इथेनॉल ने पहले बॉयल होके निकलना है, सही है, लेकिन कुछ वाटर के वेपर्स भी उसके साथ साथ आ जाएंगे पीछे से, तो इसके लिए आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होना जरूरी है आपके पास। अशर कौन सा रिपीट कर दें, फर्मेंटेशन कहाँ चलेगा? क्वेश्चन सिक्स कर लें पहले। अ सैंपल ऑफ एन एलॉय कंटेनिंग एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज एडेड टू हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है इसका। अच्छा हमें पता है कि सारे के सारे मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। अब रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारे पास कैल्शियम कैल्शियम सीमा वाली, इसमें हमने ये देखा था कि एसिड के साथ जो है वो कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम रिएक्ट नहीं करते। दीज डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस एलॉय में दो मेटल है ना, एल्यूमिनियम और कॉपर, और एसिड में डाला है तो सिर्फ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। ओनली द एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा लिख भी दिया है इसने खुद ही, द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर हाइड्रोजन एंड एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट। ऑब्वियसली जब एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। राइट द आयनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब आयनिक इक्वेशन हम लोग लास्ट पेपर में भी कर रहे थे, देखो एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट कर रहा है ना सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, और साथ में जो सॉल्ट बनेगा वो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेटल है तो उस पर चार्ज 3 पॉजिटिव होता है, सल्फेट आयन इज SO4 2 नेगेटिव। फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 और उसके साथ 3 आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 पूरे सल्फेट के लिए और सल्फेट का 2 एल्यूमिनियम के लिए, और साथ में मेटल और एसिड के रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो कंप्लीट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हर रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहो तो मेटल एसिड मेटल कार्बोनेट और न्यूट्रलाइज एसिड और अल्केली की तो सबसे आसान है ना, एच पॉजिटिव आइन ओ एच नेगेटिव आइन वाली, तो बनाना सीख लो तो ज्यादा बेटर है। देखो एल्यूमिनियम मेटल है तो उसका स्टेट सिंबल सॉलिड होगा, एसिड एक्वस होता है हमेशा। अब एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए इसका स्टेट सिंबल एक्वस होगा। कैसे पता है सॉल्युबल सॉल्ट है? बिकॉज ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, लेड टू सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। हाइड्रोजन इज अ गैस। ठीक है, स्टेट सिंबल डिसाइड करने के बाद आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए सब इसके अलावा एक और जरूरी काम यह है कि आपने इस आयनिक इक्वेशन को हर हाल में बैलेंस्ड करना है। बैलेंस करने के लिए आपने 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम 2 है ना, और फिर हाइड्रोजन के साथ 3 लगाना पड़ेगा। मैं आपको आसान तरीका भी बता दूंगा, पहले ये जो एक्चुअल तरीका है वो देख लो आयनिक इक्वेशन बनाने का, फिर मेन इक्वेशन लिखने के बाद स्टेट सिंबल डिसाइड करने के बाद बैलेंस करने के बाद आपने जो इक्वेशन में एक्वस चीजें होती है ना उसको आप आयनाइज करके लिखते हो, बाकी सारी चीजें ऐसे लिख देते हो। अब सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम तो सॉलिड है वो वैसे लिख देंगे, एक्वस चीज जो है सल्फ्यूरिक एसिड उसको आयनाइज कैसे करोगे? इसमें 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो 6 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन निकलेगा, 3 2 6, और 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन निकलेगा इसमें से। राइट हैंड साइड पे 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन निकलेगा क्योंकि Al2 है और ये भी एक्वस है तो इसको भी आयनाइज करेंगे, और 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन निकलेगा। हाइड्रोजन गैस है वो एक्वस नहीं है तो वैसे ही रहेगा। फिर इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो सेम सेम आयन्स है जैसे कि सल्फेट आयन्स है वो आप आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखोगे, जो बचा है लेफ्ट और राइट पे वो आपने विद स्टेट सिंबल उठा के बस ऐसे लिख देना है तो आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। लेफ्ट पे 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बचा है और 6 H+ आयन, उसका स्टेट सिंबल एक्वस होगा। राइट पे 3 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आइन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, आइंस का स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होता है। ये इसकी आयनिक इक्वेशन बन गई है, राइट। अच्छा अब इसको ये सारा काम करे बगैर बना सकते हो,
वो किस तरह से बनाओगे? देखो मेन इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर देखो एसिड जब भी मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा ना, तो याद रखना कि मेटल जो होगा सिर्फ अगर मेटल है तो वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा, एल्यूमिनियम मेटल तो सॉलिड ही रहेगा। अब बचा सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होगा ना वो तो आएगा आयनिक इक्वेशन में, लेकिन दूसरा जो नेगेटिव आयन होगा एसिड का वो नहीं आता आयनिक इक्वेशन में। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो मेटल का आयन है जैसे एल्यूमिनियम है वो आएगा आयनिक इक्वेशन में, और हाइड्रोजन H2 गैस वो आएगी क्योंकि वो एक्वस नहीं है। बस यहां से बैलेंसिंग किस तरह से करोगे? फिर देखो एल्यूमिनियम का चार्ज राइट हैंड साइड पे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास राइट हैंड साइड पे अगर 3 पॉजिटिव बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 पॉजिटिव नहीं बन रहा। अब इसको अगर तुम बैलेंस करने जाओगे तो एल्यूमिनियम के साथ देखो अगर आप लेट से हाइड्रोजन के साथ अगर आप 3 लगाते हो ना, तो ये बैलेंस करना इसलिए मुश्किल हो जाएगी कि राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को भी 3 बनाने के लिए आप 3/2 लगाओगे। तो अगर आप इस तरह से आपको बैलेंसिंग आती है तो ये भी ठीक है, आप आयनिक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो उसकी, क्योंकि जो हमारे मोल्स हैं सबको डिवाइडेड बाय 3 करो देखो यही बन जाएगा। लेकिन बेटर है कि आप आयनिक, इतना मुश्किल तो नहीं है आयनिक इक्वेशन, आपको अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट याद है और इक्वेशन बैलेंस कर लोगे तो आयनिक इक्वेशन बना लोगे। ये जो शॉर्टकट है ये थोड़ा सा इसके लिए दिमाग यूज करना है आपको, थोड़ी सी नॉलेज इसमें अच्छी पक्की होनी चाहिए, अदरवाइज इस तरह से बना दो। क्लियर है? अली इस क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे पॉलीमराइजेशन, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर फिर भी फंस जाओ आयनिक इक्वेशन में, देखो मेटल है तो एल्यूमिनियम मेटल तो लिख ही देना सॉलिड फॉर्म में, एसिड का एच पॉजिटिव आयन लिख देना बस। राइट हैंड साइड पे आपने क्या कहते हैं मेटल का मेटल आयन लिख देना, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव आयन बनाता है और हाइड्रोजन गैस है वो H2 लिख देना, स्टेट सिंबल डाल देना, हाइड्रोजन गैस बन रही है आपको पता है गैस है, जो आयन है वो स्टेट सिंबल एक्वस है तो एक्वस डाल देना, तो स्टेट सिंबल सही लिख दिया तो 1 मार्क तो मिल जाएगा तुम्हें। हाँ इक्वेशन अगर नहीं बनाई बैलेंस नहीं की पूरी तो मार्क्स बैलेंसिंग का मार्क्स एक चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो बैलेंसिंग करने के लिए देखो मैंने चार्जेस को कैसे बैलेंस किया, मैंने कहा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है राइट पे तो एच पॉजिटिव आयन के साथ 3 लगाना पड़ेगा ताकि लेफ्ट साइड पे भी 3+ हो जाए, लेकिन लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 3 हो गया, राइट पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो मैं इसके साथ 3/2 लिख दूंगा क्योंकि 3/2 × 2 3 बन जाता है। अगर डायरेक्ट बनानी है तो डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आइंस। अब एल्यूमिनियम आइन का टेस्ट टेस्ट फॉर आइंस के टेबल में है, टेस्ट फॉर आइंस का टेबल अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो भाई टेस्ट फॉर आइंस का टेबल आपको सिर्फ पेपर 4 में मिलेगा, टेस्ट फॉर आयंस टेस्ट फॉर गैसेस फ्लेम कलर का टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 में नहीं मिलेगा, सही है? तो ये याद रखना बात, वो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए याद करना है, आपके पास आज अगर आप 1 घंटा भी लगाओगे उसको तो याद हो जाएगा। अच्छा आपने एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट कैसे करना है कि जिस सैंपल में एल्यूमिनियम आयन है उसमें आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, व्हाइट पीपीटी बनता है दैट डिसॉल्व इन एक्सेस टू गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन, बस ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ सैंपल White PPT is formed which dissolve in aqueous, sorry, dissolve in excess sodium hydroxide, giving a कलरलेस सोल्यूशन। पेपर 1 और पेपर 2 में प्रोडक्ट टेबल गिवन होगा, पेपर 4 में प्रोडक्ट टेबल गिवन नहीं होता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी एटॉमिक मासेस आपको रिक्वायर्ड है वो
पेपर क्वेश्चन के साथ गिवन होते हैं, तो प्रोडक्ट टेबल में से कुछ भी याद नहीं करना है। एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्ड इज क्रिस्टलाइज टू मेक अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं, ये क्वेश्चन ना हाइड्रेटेड सॉल्ट का फेवरेट बना हुआ है अभी एग्जामिनर का। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 और डॉट के साथ XH2O लिखा हुआ है ना, X मतलब ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ना दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हो जाएगा और फिर जो सॉल्ट बनेगा विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज एनहाइड्रस सॉल्ट। एन मींस विदाउट वाटर, दिस इज विदाउट एनहाइड्रस सॉल्ट इज सॉल्ट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एल्यूमिनियम का हाँ व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस अमोनिया के साथ वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस होता है हुसैन। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में, खैर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट इज 666। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब विद वाटर। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉर्मूला। देखो पूरे जो वाटर के साथ उसका मास बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 666। उसमें दो एल्यूमिनियम है फॉर्मूला में, तो एल्यूमिनियम का मास 2 × 27 हो जाएगा। सल्फर कितने है? ये 3 सल्फर एटम ना, 3 × 32। ऑक्सीजन कितने है? 3 × 4 = 12। ब्रैकेट SO4 3 जो है वो पूरे SO4 के लिए है ना, तो ऑक्सीजन का भी 3 × 4 = 12, 12 ऑक्सीजन है तो 12 × 16। अच्छा वाटर के एक्स मोल्स हैं और वाटर के पूरे का एमआर कितना आता है? 18 आता है, मतलब दो हाइड्रोजन का 2 × 1 और एक ऑक्सीजन का, और इस पूरे का मास, पूरे फॉर्मूले का मास जो बन रहा है वो 666 बन रहा है। आपको यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस करके सॉल्व करके निकाल लोगे कितना आ रहा है बता दो निकाल के। समझ आ गई बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एलॉय। एलॉय की डेफिनेशन याद रखो, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद मेटल और अनदर, मतलब देखो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और अ मेटल विद अ नॉन मेटल, मतलब एलॉय बनाने के लिए मेटल के अंदर नॉन मेटल भी डाल सकते हो, ठीक है। और सिंपल आप ये भी लिख सकते हो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर एलिमेंट, जो शॉर्ट डेफिनेशन है एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल, जरूरी है मेटल विद अनदर एलिमेंट। चले आगे, नहीं नॉट डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं लिखना है सर, अपनी डेफिनेशन नहीं बनाओ। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं, अच्छा कल मैंने आप लोगों को एक रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट का, वो प्लीज देख लो, उसके लेक्चर जॉट डाउन कर लो ताकि आखिरी दिन जो है वो वहीं से रिवाइज कर लो। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर पोल्यूटेंट्स फॉर्म्ड एट पावर स्टेशन दैट बर्न फॉसिल फ्यूल सच एज कोल स्टेट वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज बाय प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एटमोस्फेरिक पोल्यूटेंट. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कराती है. तो इट इज अ ग्रीन हाउस गैस व्हिच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. ये आसान सा चैप्टर है, बस इसमें से कुछ चीजें ऑलरेडी आपको याद भी होंगी, आपने रटा रटाया लिखना है. स्टेट अच्छा, इस पे एक्सपेक्टेड है कि वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो लेक्चर जरूर देख लेना और नोट्स बना लो उसके, लिख लो अपने पास कॉपी में. स्टेट वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड हमें पता है कि एसिड रेन कहलाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये है. नॉन मेटल ऑक्साइड है, पानी में डिजोल्व हो जाती है तो एसिड बनता है. अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशंस कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. अब देखो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती कहाँ से, जब हम फर्नेस ऑयल जलाते हैं बिजली बनाने के लिए, कि इलेक्ट्रिक के जैसे पावर प्लांट है, जब वो फर्नेस ऑयल बंद करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. अब उसको अगर हम हवा में रिलीज कर देंगे तो वो जब बारिश होगी तो एसिड रेन बन के गिरेगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हवा में जाके फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना लेगा, और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जब बारिश का पानी के साथ मिलेगी तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन के जमीन पे गिरेगी वापस. तो हम उसको जो फ्यूल गैसेस होती हैं, जो धुआं जो हम एग्जॉस्ट होता है, फ्लू गैसेस कहते हैं उसको, तो उसको सल्फर डाइऑक्साइड को हम वहीं पर रोक, वैसे तो रेगुलेशन ये है कि वहीं पर रोक दो उसको. कैसे रोको, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दो ताकि सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट कर जाते हैं, सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. अब यहाँ पे इस सिस्टम को हम कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. डीसल्फराइजेशन इसके लिए कहते हैं, डी मतलब टू रिमूव, सल्फराइजेशन मतलब सल्फर रिमूव कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं तो उसमें से सल्फर भी तो निकल रहे हैं ना, सल्फर उसके साथ ही है. ठीक है, तो ये रिएक्शन हम सल्फर डाइऑक्साइड को किसी अल्कली या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा के रोक सकते हैं. द रिएक्शन नीड टू बी फास्ट टू रिमूव एज मच सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉसिबल. एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट पार्टिकल बाय द कैल्शियम कार्बोनेट नीड टू बी पाउडर्ड इंस्टेड ऑफ अ सॉलिड लंप. तो देखो अगर पाउडर्ड होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर सादा सरफेस एरिया होगा तो देयर विल बी मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, रेट ऑफ अ रिएक्शन ज्यादा होगा. पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव, वही जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में आंसर लिखते हैं ना, वही है फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन increases, hence rate of reaction. आगे कह रहे हैं explain using ideas about particles by decreasing the temperature decreases the rate of a reaction. Temperature decrease करोगे तो kinetic energy of particle decrease होगी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स which decreases frequency of effective collision, hence rate of reaction decreases. खाली ये भी देख सकते हो. ठीक है,
चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन. एक्सप्लेन बाय सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होती है, साथ में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होती है ना. तो सल्फर डाइऑक्साइड हैज गेन्ड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइज्ड. एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग बाय द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो उसका भी रटा रटा आंसर है बॉन्ड ब्रेकिंग is endothermic and bond making is exothermic. More heat, agar exothermic reaction hai to it means more heat energy is released during bond breaking as it is absorbed during bond making. Explain why addition of a catalyst increases the rate of a reaction. Catalyst डालने से activation energy कम हो जाती है. Catalyst decreases the activation energy of a reaction, which increases frequency of effective collisions. ठीक है भाई. आगे बढ़े. पेपर आसान है, आगे खुद करोगे पेपर. बल्कि ये क्वेश्चन देखना है. जिंक इज अ मेटल, कोटिंग आयरन विद जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग व्हेन कोटिंग इज स्क्रैच्ड. अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयरन रॉड है, हमने उसको कम्प्लीटली कवर भी कर दिया ना, इस कम्प्लीटली कवर करने को ना एक वर्ड यूज करता है गैल्वेनाइजिंग. अब वो ये कह रहे हैं कि हमने इसको कम्प्लीटली जिंक से कवर कर दिया हर जगह से, तो आयरन तो कांटेक्ट में नहीं आएगा ना एयर के साथ, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. जब एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसकी रस्टिंग नहीं होगी. लेकिन वो कह रहा है कि लेट से अगर कहीं से ये कोटिंग जो है वो स्क्रैच हो जाती है, तो उस जगह से तो आयरन कांटेक्ट में आ जाएगा ना एयर और ऑक्सीजन के साथ, लेकिन फिर भी आयरन जो है वो रस्ट नहीं करेगा. उसका रीजन पूछ रहा है क्योंकि जिंक जो है वो उसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के थ्रू भी तो बचा रहा है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है. तो जिंक विल रिएक्ट इन प्रेफरेंस टू द आयरन, मतलब जिंक विल ऑक्सीडाइज इंस्टेड ऑफ आयरन. जिंक बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, इट ऑक्सीडाइजेस
in place of iron. क्लियर. आगे कह रहे हैं जिंक हैज मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग अब बहुत बार बना ली है, तुम लोग बना लेना. और जिंक मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों है? क्योंकि उसके पास सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये भी सबको पता है. आगे बढ़ते हैं, वो देख लेना क्वेश्चन को भी. पार्ट सी में कह रहे हैं कि वन ऑफ द स्टेजेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस. एट द कैथोड जिंक टू पॉजिटिव आयंस आर चेंज इनटू जिंक एटम्स. At the anode, hydroxide ion are changed into oxygen molecules. Write the equation for the reaction of cathode and anode. So cathode पे reduction होती है, zinc 2 positive ion reduced होंगे तो तुम्हें पता है zinc atom बनाएंगे. और hydroxide ion की equation oxidation की वो हमने याद की हुई है. It produces 4 mole of OH, negative ion produces 2 mole of water, 1 mole of oxygen and 4 mole of electron. Electron आप right पे ही लिखा करो oxidation में, left पे लिखने की जरूरत नहीं है minus करके. सही है भाई, आगे बढ़े. पार्ट ए का आंसर दिखा दूंगे. चले आगे जा आयान. नेक्स्ट कह रहा है, अ सैंपल ऑफ जिंक, अ सैंपल ऑफ 2.34 जिंक इज रिएक्टेड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. शो बाय कैलकुलेशन दी दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस. देखो अब एक्सेस रिएक्टेंट कैसे आपने पता लगाना होता है. एक्सेस रिएक्टेंट वो होता है जो एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन बचा रहता है. अब स्टोइकोमेट्री सॉल्व करने के लिए जो टाइप ऑफ क्वांटिटीज हम यूज कर सकते हैं वो है मोल, मास और वॉल्यूम. लेकिन वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ हम यूज कर सकते हैं गैसेस के लिए. तो जब भी आपके पास, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो गैस नहीं है ना, ये तो एक्वस होगा. तो जब भी आपके पास किसी भी एक्वस चीज की कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम होगी तो आप सबसे पहले तो उसके मोल्स निकाल लिया करो. ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालोगे? एक मार्क्स तो आपको सिर्फ HCl के मोल्स निकालने का मिल जाएगा. मोल्स का फॉर्मूला होता है कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम. मोल्स हो जाएगा कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. कंसेंट्रेशन गिवन है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो मोल्स आ जाएंगे. बताना कितने आ रहे हैं. तो देखो जब भी स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन में आपके पास कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो ना किसी चीज की, कुछ समझ आए ना है, मोल जरूर निकाल देना उसके. तो एक मार्क यूजुअली वहीं से मिल जाता है आपको. अच्छा, अब जिंक के जो मास दिया हुआ है, अब लिमिटिंग और एक्सेस में ना जिंक के भी मोल्स में कन्वर्ट कर दो इस मास को, जरा फिर कंपेयर करना आसान हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल मास ओवर ए आर, इसका फॉर्मूला है. मास इसका है 2.34 और एटॉमिक मास जिंक का प्रोडक्ट टेबल से देख लेना 65. तो जिंक के मोल्स बताओ कितने आ रहे is 0.036. ठीक है, देखो आपको ना एक मार्क तो ये निकालने का दे रहा है HCl निकालने का, और एक मार्क जिंक के मोल्स निकालने का दे रहा है. अब अगर लिमिटिंग और एक्सेस नहीं भी आता किसी तो दो मार्क्स तो हो गए ना, एक मार्क ही जाने वाला है तुम्हारा. अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि 1 मोल ऑफ जिंक, इक्वेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ,
ठीक है, मतलब क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा हुआ, इसने इक्वेशन जो गिवन है, एज पर दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ जिंक इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ HCl, मतलब जब भी हमारे पास 1 मोल ऑफ जिंक होगा तो वो कितने मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल ऑफ HCl के साथ। देखो इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्टिंग विद 2 मोल HCl। अभी हमारे पास जो है ना जिंक के कितने मोल्स अवेलेबल है और HCl के कितने मोल्स अवेलेबल है, दोनों गिवन। अब इनमें से कोई एक यूज करोगे, अगर मैं कह रहा हूँ कि 0.036 मोल ऑफ जिंक अगर है तो उसके लिए HCl के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो निकाल के देख लो। यह आ जाएगा x इंटू 1 0.036 इंटू 2, कितना आ रहा है ये 0.072 मोल्स। मतलब अगर 0.036 मोल ऑफ जिंक को कम्प्लीटली रिएक्ट करवाना है तो यू नीड 0.072 मोल्स ऑफ HCl, दिस मच मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड, ताकि जिंक 0.036 मोल का पूरा रिएक्ट अगर करना है तो इतना HCl तो आपको चाहिए चाहिए। क्या आपके पास जो HCl गिवन है क्वेश्चन में, जो अमाउंट उसने दिया हुआ है आपको, वो तो उससे ज्यादा दिया हुआ है ना, तो जिंक तो 0.036 मोल ऑफ जिंक 0.072 मोल ऑफ HCl के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा, बाकी का एसिड बचा रह जाएगा, तो बचा रह जाएगा इट मींस के एसिड एक्सिस में हुआ ना। मतलब इफ यू वांट यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट 0.1, या इसको ऐसे लिख दो 0.036 मोल ऑफ जिंक रिक्वायर्स ओनली 0.072 मोल HCl। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना था कि एसिड वाकई एक्सेस में, एंड अवेलेबल HCl इज ग्रेटर जो कि 0.1 मोल है, तो ऑब्वियसली इट विल स्टे इन एक्सेस। लेकिन इस क्वेश्चन से घबराने की बात नहीं है, आपने मोल्स ऑफ एसिड निकाल दिया, मोल्स ऑफ जिंक निकाल दिया, तो एक एक 2 मार्क्स तो यही हो गया। बाकी आपने स्टोइकोमेट्री लगा के कंपेयर करवाना है कि भाई 1 मोल ऑफ जिंक को 2 मोल ऑफ HCl चाहिए, अब 0.036 मोल को 0.072 मोल HCl चाहिए, सॉरी 0.036 नहीं है 0.036 है, इसको 0.072 मोल HCl चाहिए। लेकिन HCl जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन में वो ज्यादा गिवन है, अगर आप ये वैल्यूज निकाल के भी छोड़ दोगे तो वो आंसर मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें वो आसान से हैं, वो जरा खुद देख लेना, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। अभी आप लोग जा सकते हो, 4 बजे जो है हम लोग वो पॉलीमराइजेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे, किसी को लेनी हो तो ज्वाइन कर सकते हो। एसिड के मोल्स, देखो एसिड के जो मोल्स गिवन थे हमारे पास वो सारे के सारे रिएक्ट थोड़ी ना हो रहे हैं। जिंक के मोल गिवन है 0.036, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से जब भी 1 मोल ऑफ जिंक होगा वो रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ HCl के साथ। तो मैंने देखा कि भाई 0.036 मोल ऑफ जिंक को अगर रिएक्ट करवाना है तो कितना HCl चाहिए होगा, वो आ रहा था 0.072 मोल्स, सिर्फ इतना ही HCl चाहिए। HCl गिवन ज्यादा है लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 0.072, तो ये निकाल के प्रूफ करके देना था। 4 बजे बस, अभी 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट पार्ट इस पेपर का, वाटर
देखो ये आपको केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट का जो मैंने लेक्चर कल भेजा है उसमें वाटर भी मिलेगा. नेम वन अदर पोल्यूटेंट फाउंड इन रिवर वाटर. तो रिवर वाटर में तो बहुत सारी चीजें होती है ना. पेस्टिसाइड ज्यादातर आते हैं जो कि आप फार्मर डालते हैं ना, वो इरिगेशन जब करता है तो कीड़े मारने के लिए वो पेस्टिसाइड डालता है, इरिगेशन करता है तो वो आ जाते हैं. स्टेट थ्री प्रोसेस यूज इन दी प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर. तो इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो क्या है, सबसे पहले ना हम लोग रिवर वाटर की सेडिमेंटेशन करवाते हैं. सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं उनको निकाल देते हैं. उसके बाद हम रिवर वाटर की फिल्ट्रेशन करवाते हैं, वो सॉलिड पार्टिकल जो सेडिमेंट हुए हैं या पार्टिकल घूम रहे हैं वो निकल जाए. फिर तो उसके बाद हम उसको पास करते हैं थ्रू चारकोल. चारकोल क्या करता है वो उसके ना टू रिमूव बैड स्मेल्स, टू रिमूव फाउल स्मेल, स्मेल उसमें से रिमूव करता है. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं क्लोरीनेशन करवाते हैं उसकी. क्लोरीनेशन इसलिए करवाते हैं टू किल बैक्टीरिया. वो लेक्चर एक बार देख लो, बार बार कह रहा हूँ, क्लास में लिखा नहीं था लेक्चर तो अभी लिख लो उसको बैठ के. इस चीज का पार्ट टू सिलेबस से हट गया, वाटर ट्रीटमेंट का नहीं. सही है, चलो जा सकते हो अभी. अल्लाह हाफिज़.